नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक नई वैकेंसी की चर्चा करने वाले हैं। टीचर की वैकेंसी आई हुई है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और इसके साथ ही अगर आप RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेलवे, SSC, GD कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, पवन पारिक को सर्च करके फॉलो कर लेना। इसके अलावा इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट हमें फॉलो कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और 21/8/2018 को ये नोटिफिकेशन डाला गया था। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसके जो आवेदन हैं वो आज से शुरू है, यानी 29 सितंबर से इसके आवेदन शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2018, और यहाँ पे पद आपको मिल रहे हैं, टोटली 1310 पद आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी है, और आवेदन प्रक्रिया आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं www.sso.rajasthan.gov, इन पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है, कोई भी कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया का अप्लाई कर सकता है। आगे चलते हैं, परीक्षा शुल्क यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सामान्य वर्ग और क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं, उनके लिए 450 रुपये, OBC के लिए 350 रुपये, और SC ST के लिए यहाँ पे 250 रुपये लिए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड की सूचना आपको वेबसाइट के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी, और ये यहाँ पे आपके खाली सीटों की संख्या, कितनी सीटें रिक्त हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, और यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% रिक्तियाँ निर्धारित की गई है, और यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र के और वेतनमान आप देख सकते हो, 7वें वेतन आयोग के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित है, यानी काफ़ी अच्छा वेतन आपको यहाँ से मिल रहा है। और पात्रता और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देख सकते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सीनियर सेकेंडरी या मान्यता प्राप्त, अगर आप 12वीं पास है, चाहे कहीं से भी हो, राजस्थान बोर्ड से हो या कोई भी बोर्ड से हो, तो आप, और साथ में एक और योग्यता इसके अंदर रखी गई है, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण। तो NTT का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, अगर आपने NTT कर रखी है, यानी 2 वर्षीय जो नर्सरी अध्यापक के लिए जो प्रशिक्षण होता है वो कोर्स अगर आपने कर रखा है, और 12वीं पास अगर आपकी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे राष्ट्रीयता देख सकते हो आप, भारत के नागरिक हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, नेपाल वाले भी कर सकते हैं, भूटान के नागरिक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा आपकी देख सकते हो कितनी रहने वाली है, तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के अब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें नियमानुसार छूट भी दी गई। यहाँ पे देख सकते हो, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले 5 वर्ष की छूट दी गई, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी गई है, और अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जा रही है। इसके आगे अगर हम बात करें, परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ई मित्र केंद्र हैं आप वहाँ से या फिर नेट बैंकिंग ATM से आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे 29/9/2018 यानी आज से इसके आवेदन शुरू हुए, और 28 अक्टूबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे परीक्षा का दिनांक, आपकी परीक्षा कब होगी, तो नवंबर दिसंबर के अंदर आपकी परीक्षा इसके अंदर बताई जा रही है, संभावित है, अभी तक एग्जाम डेट इसकी घोषित नहीं की गई है। आवेदन पत्र कैसे करें, उससे संबंधित आपकी कुछ जानकारियाँ यहाँ पे दे दी गई है, और ये आप ऑफिशियल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं ये, तो यहाँ से कर सकते हो, www.rsmssb.rajasthan.gov, इन पर जाकर आप ये पूरा जो नोटिस है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में आपको
आपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने हैं वेबसाइट पे फॉर्म भरते समय। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन, यानी अगर आपके फॉर्म में गलती हो जाती है तो आप 7 दिन के अंदर 300 रुपये जमा करा के वो गलती सुधार सकते हो। और यहाँ पे परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, तो परीक्षा की स्कीम आप देख सकते हो। परीक्षा का प्रश्न पत्र वस्तुपरक प्रकार बहुविकल्प का होगा, प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा और न्यूनतम उत्तरांक 40 होंगे और प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, यानी न्यूनतम अगर 40% नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। और बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो और हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हो इस भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी पूछनी हो। और ये डॉक्टर BL जाटावत के हस्ताक्षर हैं जो कि अध्यक्ष हैं RSM SSB के, और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये वैकेंसी आई है राजस्थान के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारियाँ मिल गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।